सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वेस्कुलर टिशू सिस्टम तो वेस्कुलर टिशू सिस्टम में हम बात करते हैं जायलम और फिलोयम टिशू की तो जायलम और फिलोइम टिशू जो है वो कैसा होता है जायलम और फिलोइम टिशू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से जो है वो रूट में भी और स्टेम में भी प्रजेंट होता है ठीक है जायलम और फिलोइम जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो प्रज़ेंट होता है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वो रेडियल अरेंजमेंट में है ठीक है पहले तो जान लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फिलोयम ठीक है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम किस किस चीज़ से बना होता है जाइलम और फिलोयम से जाइलम एंड फिलोयम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ग्रुप्स में तो हम उसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम डाइकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स जब मैं बात करूं वेस्कुलर बंडल की तो वेस्कुलर बंडल जो है वो किसका बना होगा एक तरफ जाइलम होगा एक तरफ फिलोयम होगा और ये सारा उसका बंडल होगा ठीक है वेस्कुलर बंडल और उसमें क्या प्रेजेंट है बेटा जाइलम और फिलोयम ठीक है एक तरफ जाइलम प्रेजेंट है और एक तरफ जाइलम प्रेजेंट है और एक तरफ फिलोयम प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे वेस्कुलर बंडल समझ आया वेस्कुलर बंडल के बीच में कई बार कई बार यहाँ पे एक कैम्बियम की रिंग बनी होती है ठीक है ये कैम्बियम की रिंग किस में प्रेजेंट होती है डाइकॉट्स में किसमें डाइकॉट्स में तो डाईकॉट्स क्या करते हैं आपको पता है कि पौधे जो हैं वो एक पौधे ऐसे होते हैं जो सीधे ग्रो करते हैं ठीक है एक पौधे दूसरी तरह के पौधे कैसे होते हैं कि वो गर्थ में भी इंक्रीज करते हैं डायमीटर में भी इंक्रीज करते हैं ठीक है तो एक तरफ ऐसे पौधे रख लो जो सिर्फ़ ऊपर की तरफ को ग्रोथ करते हैं सिर्फ लेंथ वाइज ग्रोथ करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे पौधे रख लो जो लेंथ वाइज भी ग्रो करते हैं और व्यर्थ में भी ग्रो करते हैं तो जो व्यर्थ है ना प्लांट में वो किसकी वजह से आती है इस कैम्बियम की वजह से आती है जो कि जाइलम और फिलोयम के बीच में प्रेजेंट होता है तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं कैम्बियम क्या कहते हैं इसको कैम्बियम कहते हैं ठीक है कैम्बियम एम भी आएगा ठीक है कैम्बियम तो कैम्बियम जो है वो किस में प्रेजेंट होता है डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है याद रखना तो डाइकॉट्स में जो ग्रोथ है वो किस में होती है डाइकॉट स्टेम में किसमें डाइकॉट स्टेम में अब आप पूछोगे मैम डाइकॉट रूट में भी होती है या मोनोकॉट मोनोकॉट स्टेम में होती है नहीं मोनोकोट स्टेम में क्या होगी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होगी वो सिर्फ लेंथ में ग्रो करेगा और सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस में प्रेजेंट होगी डाइकॉट्स में भी प्रेजेंट होगी ठीक है तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के बारे में बताया कैम्बियम के बारे में बताया अच्छा और चीज़ें देखते हैं क्या है इसमें ठीक है सो कह रहा है कि मोनोकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो क्लोज्ड टाइप के होते हैं अच्छा जब मैं बोलूं कि वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप का है तो आपने समझ आना है कि वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप का बोला मैम ने तो इसका मतलब उसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो डाइकॉट्स में है तीन चीज़ें याद रखनी ओपन मीन्स कैम्बियम प्रेजेंट और डाइकॉट की बात हो रही है क्लोज्ड मतलब कैम्बियम एबसेंट और मोनोकॉट की बात हो रही है ठीक है देन टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो कैसे होते हैं रेडियल होते हैं ठीक है कॉन्जॉइंट होते हैं ठीक है रेडियल में क्या कौन सी कंडीशन है रेडियल और कॉन्जॉइंट कॉन्जॉइंट दो कंडीशनें होती हैं एक कॉन्जॉइंट क्लोज्ड एक कॉन्जॉइंट ओपन अब ध्यान से देखना जरा रेडियल में कौन सी कंडीशन है कि यहाँ पे स्फेरिकल बना हुआ है ठीक है एक तरफ मैं यहाँ से ए, इस तरह से इसको ये यह देखिए यहाँ पे एक जो है वो जाइलम है देन उसके बाद फिलोयम का पैच है ठीक है फिर जो है फिर से इस साइड पे जो है फ्लोएम बनाए हुए हैं ठीक है तो ये अल्टरनेट कंडीशन आ रही है पहले जाइलम आ रहा है फिर फ्लोएम आ रहा है फिर जाइलम आ रहा है फिर फ्लोएम आ रहा है फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम हो रहा है ना ऐसे तो ये रेडियल अरेंजमेंट हुआ रेडियल अरेंजमेंट हुआ अब उसके बाद उसके बाद जो है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं कॉन्जॉइंट क्लोज्ड कंडीशन क्लोज्ड मतलब समझ आना कि इसमें कैम्बियम की रिंग नहीं होगी ठीक है क्लोज्ड कंडीशन है एक तरफ फिलोयम प्रेजेंट है एक तरफ जाइलम प्रेजेंट है तो कॉन्जॉइंट क्लोज्ड क्लोज कंडीशन हुई अब तीसरी कंडीशन कौन सी है कॉन्जॉइंट ओपन कंडीशन जिसमें जाइलम प्रेजेंट है फिलोयम प्रेजेंट है और बीच में उसके जो है वो कैंबियम की रिंग बनी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे कॉन्जॉइंट ओपन कंडीशन तो ये सब याद करना है आपने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में देन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बाद जो है वो एनाटॉमी आती है किसकी डाइकॉटिलिडनस और मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स की तो इसमें डाइकॉटिलिडनस रूट में डाइकॉटिलिडनस रूट है तो रूट का कृपैक करके आप जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं उनसे आप इन डायग्राम्स को बनाएं ठीक है या फिर जो है मैं इस वीडियो में आपको कुछ पिक्चर बताऊंगी डाइकॉट रूट की मोनोकॉट रूट की उनको बनाएं ठीक है इनको नहीं बनाना आपने ये डायग्राम्स ऑलरेडी जो हैं थोड़ा इनमें गड़बड़ लग रहा है